हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे कार्डबोर्ड का बॉक्स। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम ये पेन, पेंसिल, मार्कर ऐसी चीज़ें डालते हैं। ये मैं कटर भी पेंसिल डाल के रख सकता हूँ और भी बहुत कुछ। मेरा ये ब्रश है। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे कैसे ये बनेगा। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक क्राफ्ट पेपर और एक कटर, जो कि हमें कटिंग करने के काम आएगा। आप इसकी जगह सीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कटर प्रेफर करता हूँ क्योंकि इससे हम नाइस एंड शार्प कट्स लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा हो गया ग्लू, वाइट ग्लू चाहिए हमें, एक स्केल चाहिए, एक पेंसिल चाहिए और कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े, जिसकी डायमेंशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये हेक्सागन शेप का एक सिलेंडर है, वो हमें सबसे पहले हेक्सागन शेप चाहिए होगी। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये मैंने कैसे बनाया है विदाउट कंपास, एक स्केल और पेंसिल की मदद से। तो इसमें ये जो एक जो हेक्सागन की साइड है, ये 4 सेंटीमीटर की है। तो बेसिकली हमारा जो बेस रहने वाला है 4 सेंटीमीटर साइड का रहने वाला है। तो इसके लिए हमें जो हमारी वर्टिकल स्ट्रिप्स चाहिए होंगी कार्डबोर्ड की, वो 4 सेंटीमीटर वाइड और हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के हिसाब से 12 सेंटीमीटर उसकी विड्थ रख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने पहले से ये हेक्सागन शेप में बेस कट करके रखा है कार्डबोर्ड का। ये किसी एक खिलौने के बॉक्स का टुकड़ा है जिसको मैंने हेक्सागन शेप में कट किया है। ये शेप मैंने यहीं से रेफरेंस लिया है इस हेक्सागन की। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं और साइड के लिए ये मैंने स्ट्रिप काटी है एक, ये भी बॉक्स की है। गाइस, ये जो कार्डबोर्ड है आपका हार्ड होना चाहिए। आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस हार्डनेस इसकी होनी चाहिए सो दैट कि हमारा जो प्रोडक्ट बने वो ज़्यादा कमज़ोर सा ना हो। तो ये मैंने स्ट्रिप रखी है, ये 4 सेंटीमीटर वाइड है और 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी। तो हमारा कंटेनर जो ऐसे बनेगा तो उसकी हाइट वाइज वो 12 सेंटीमीटर का होएगा। तो इसके लिए हमें सिक्स स्ट्रिप्स चाहिए ऐसी 4 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर की। तो ये 6 स्ट्रिप्स मैंने पहले से ही काट के रखी हुई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। बेसिकली मैं आइडिया थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको मैं इस जो ये क्राफ्ट पेपर है इसके ऊपर ऐसे चिपकाने वाला हूँ, इस शेप में चिपकाने वाला हूँ। तो ये जो क्राफ्ट पेपर है उसकी जो आपको डायमेंशन काटनी है वो आपकी अराउंड रहेगी, ये 12 सेंटीमीटर का ये है, 12 का ये है, 7 सेंटीमीटर के अराउंड हमारी ये विड्थ रहती है और 1 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है सो दैट कि आप इसको ओवरलैप करके इस कवर कर सकें। तो जल्दी से हम इसको चिपका लेते हैं। गाइस, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज, ये जो इस हेक्सागन शेप और स्ट्रिप के बीच में जो है हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ लेना, सो दैट कि हम जब फोल्ड करेंगे इसको, ये हमारे पास स्पेस बच जाएगा उसको सीधा करने के लिए। तो गाइज, हमारा सारी स्ट्रिप्स लग गई हैं, अभी इसको हम थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सो गाइज, इसको 10 मिनट हो गए हैं सूखते हुए, तो अगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, यहाँ से हमारा थोड़ा ट्रिकी पार्ट शुरू होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रख के अंदाजे से सबसे पहले इनको जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे कट लगानी है। बेसिकली हर स्ट्रिप के राइट एज से हमने कट करना है। तो जल्दी से हम कट कर लेते हैं। हमारा कट हो गया। अब हम जो ये पेपर है जो हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ा है हर स्टिक के ऊपर से, इसको हम यहाँ ग्लू लगा के इसको हम यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। तो गाइस, हमने सभी एजेस को स्टिक कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। अब हमने कोई 2 एजेस को उठा के हमने ऐसे स्टिक करना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लू अप्लाई कर लेंगे और इस साइड को उठा के जो ये एक्स्ट्रा पेपर है इसको हम इस एज के साथ, इस स्ट्रिप के साथ चिपका देंगे। तो हमारा ये एक जगह पे स्टिक हो जाएगा।
ये दो हमारे ऐसे स्टिक हो चुके हैं, तो हम ये थर्ड वाला ऐसे ऊपर को करके इसको भी यहाँ चिपका देंगे। गाइस जिस जिसने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, इसको थोड़ी देर हम सूखने देंगे, फिर हम जो एक्स्ट्रा पेपर बचे हैं इसको भी हम ग्लू लगा के स्टिक कर लेंगे। तो गाइस हमारा काफ़ी हद तक सूख चुका, तो इसको फाइनल हम जो भी हमने पेपर स्टिक करना है इसको स्टिक कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे ग्लू लगा के इस पेपर को जस्ट ऊपर चिपका देना है, इसको यहाँ पे ग्लू लगा के इस पर चिपका देना है, ऐसे सभी साइड्स के साथ हमें करना है। हेलो गाइस, तो ये सूख कर बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। सूखने के बाद बिल्कुल ये सॉलिड हो गया, बिल्कुल भी फ्लेमसी नहीं आ रहा, बिल्कुल सॉलिड हो चुका है। तो अब हम इसमें सामान डालने के लिए रेडी है, जैसे कि हम ये पेन पेंसिल मार्कर ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं, ये मैं कटर डाल के रख सकता हूँ, और भी बहुत कुछ, मेरा ये ब्रश है। तो वैसे ये ऑलमोस्ट रेडी है, पर मुझे इसका जो कलर है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ये ब्राउन कलर का, बहुत ही लाइट ब्राउन कलर का, एक जो हमने पेपर लगाया था क्राफ्ट पेपर वही है इसके ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर हम कलर कर दें, तो आप इस पर वैसे तो आप इस पर जो चाहें वो कलर कर सकते हैं। मेरे पास ये वाटर कलर है, तो मैं इसमें कोई चूज करके इस पर पेंट करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पेंटिंग नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि पेंटिंग कैसे होती है तो join me in next video. Thank you so much.